उन्होंने छे सत्त सरपंच यहोजे ने जिहड़े पहला ही जिहड़ा 2022 का इलैक्शन होया असैम्बली का साडा वो पहला ही साढ़े तो जा चुके सी अंदर खाते दो चार तो ओपनली सन एक दो अंदर खाते सन उन्होंने ऑलरेडी उन्होंने मदद की सारियां नू इनक्वायरियां दा डरा दे के जां तुहाडे असीं तुहाडी सरपंची रिमूव करा देंगे तुहाडी इनक्वायरी करा देंगे तुहाडे ते परचे करा देंगे इस तरह है कि एक दो दिन पहला एक न्यूज़ छपी सी मैं जो अखबारों भी देखी है एक दो चैनल पर भी देखी है कि कोई इत्थे मीटिंग हुई है तो उहदे च ये दसदे आ इत्थे कोई पैलेस दे विच भई 200 बंदा दीनानगर हल्के का जिहड़ा वो कांग्रेस पार्टी छड्ड के ते आप पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है तो साढ़े मंत्री कटारू चक जी उत्थे मौके ते आए ने जां होर भी साढ़े जिले के जिहड़े आप पार्टी के लीडर सी वो सन मैं उहदे बारे तुहानूं ये दसना चाहना कि नंबर एक तो वैसे कंट्राडिक्टरी रिपोर्टां ने प्रेस नोट च कोई कह रहे 200 कोई 225 कोई कुछ जबकि जो सच्चाई है जिहड़ा उन्होंने भी अपनी प्रेस नोट दे विच जां जो मैनूं पता लग्गिया फेसबुक ते जां दूसरा तीसरा पाया कि 1.5 दर्जन दे करीब करीब सरपंच जिहड़े ने जी उन्होंने कांग्रेस का पल्ला छड्ड के ते आ पार्टी ज्वाइन कर ली। मैं ये क्लीयर करना चाहना कि जेडे उन्होंने ना दिते ने 18 उन्होंने छे सत्त सरपंच यहोजे ने जिहड़े पहला ही जिहड़ा 2022 का इलैक्शन होया असैम्बली का साडा वो पहला ही साढ़े तो जा चुके सी अंदर खाते दो चार तो ओपनली सन एक दो अंदर खाते सन उन्होंने ऑलरेडी उन्होंने मदद की इस करके उन्होंने तो एवें एक फॉर्मैलिटी है भी हूँ जी असी ज्वाइन कर रहे हैं वो ऑलरेडी असैम्बली इलैक्शन जी जा चुके सी मगर रह गए 11 दे विचों भी जेड़े गए ने या जिन्हां दे इन्होंने वो शमूलियत कराई है वो सारियां नू इनक्वायरियां दा डरा दे के या तुहाडे असी तुहाडी सरपंची रिमूव करा देंगे तुहाडी इनक्वायरी करा देंगे तुहाडे ते परचे करा देंगे। मैं वो सारे दे सारे सरपंचां नू किवें इन्होंने ब्लैकमेल किया ते प्रेशराइज किया ये हर एक दा मैं तुहानू सबूत दे सकता क्योंकि जिमें मैं तुहानू दसदा किसी का कोरम तोड़ दिता डरा के किसी नू चिट्ठी कढ़ाती तुसीं रिकॉर्ड दीआं गल्लां ने रिकॉर्ड कढ़ के देख लो एक नू इनक्रोचमेंट का नोटिस दिता था और उन्हूं जाके उत्थे कहा गया भी तेरी असीं इनक्रोचमेंट वाली फाइल दब देंगे जेकर तू पार्टी ज्वाइन कर लेगा तो नैचुरली हर आदमी अपना सोचता भी टाइम पास करो एक दा कोरम तोड़ता जिमें ना की लैना तुहानू पता ही है। सो ये जिहड़े प्रेशर टैक्टिस ने इन्हां दे नाल सियासत नहीं कदे भी चलती साडा बहुत लंबा तजर्बा है इस मसले च असी इस एरिए 5 दहाकों तो देख रहे हैं 25 साल मेरे पिता जी और 20 साल अरुणा चौधरी नूं हो गया असी बड़ा क्लोजली देखिया वक्ती तौर पर ठीक है तुसी प्रेशर पा के किसी नूं अपने नाल जोड़ सकते हो किसी नूं डरा सकते हो किसी नूं धमका सकते हो पर जे तुसी ये सोचो भी उहदे नाल तुहाडियां वोटां बनदियां ने जां तुहाडियां कोई छवि वधिया बनती है मैं समझदा बड़ी एक गलत फहमी पाली दी है दूसरी पार्टी ने खास तौर पर साडे विरोधी ने जेकर पुलिस का डरावा दे के परचियां का डरावा दे के जां सरपंचियां दियां इनक्वायरियां करा के अपने नाल जोड़ के कोई एक खुशफहमी दे विच है कि पता नहीं असी इलैक्शन जित लांगे तो फिर तो सरकार बदलनी ही नहीं चाहिए। जिहदी सरकार है पुलिस ने भी उहदा काम करना जिहदी सरकार है अफसरां ने भी उहदा काम करना
तो फिर हर 5 साल बाद सरकार क्यों बदल जाती है बी? लोग वक्ती तौर पर ठीक है खब्बे सज्जे अपना काम करने वास्ते जा सकते हैं और उन्होंने राइट भी है, हर आदमी अपना काम कराने वास्ते कोई ना कोई तो उन्हें हीला वरतना ही है, पर मैं अपने विरोधी नूं इह गल कहूँगा कि ये जिहड़ी सियासत है बहुत ही लंबी दी चलदी हुंदी, लंबी चलण वास्ते लोगों का दिल जितना पैंदा। साडे डॉक्टर बी आर अंबेदकर बाबा साहब इहो जिहा संविधान बना गए है, इहो जिहा डेमोक्रेसी हिंदुस्तान च लागू कर गए है कि जिंदे ते प्रैशर दे नाल तुसी कुछ नहीं कर सकते, इत्थे ते मन मर्जी दे नाल लोकां ने वोटां पाणियां। ऐतकी देखो बदलाव दे नां ते लोकां ने मन बनाया था सी, ये नहीं तुसी कह सकते कम घट होए न। दीनानगर दे विच जो पिछले 5 सालां दे विच कम कराए न ते जां जो प्रोजेक्ट्स लैके आए हैं, ये हिस्टरी है कि इन्ने कदे नहीं आए। चाहे वड्डे वड्डे रेलवे ओवरब्रिज ला लो, मीरथल दीनानगर रोड सीमेंटड ला लो, सब डिवीजन का दर्जा दवाता और धड़ाधड़ दफ्तर बन रहा 4.5 करोड़ नाल, सब तहसील बनाती दुरंगला वखरे 2.5 करोड़ नाल उत्थे दफ्तर बन रहा, ये इन्ने प्रोजेक्ट्स और नालियां गलियां और सड़क कोई नहीं छड़ी जिहड़ी नहीं बनाई, पुल बड़े बनाते। लेकिन लोग जदों मन बना लैंदे आ ना उस वेले तुसी कोई कुछ नहीं कर सकते, किसी नूं डरा धमका के नाल नहीं जोड़ सकते। अज इन्ना काम करन दे बावजूद भी लोगों ने बदलाव के नाते वोटा पाइया और 92 MLA पंजाब दे विच आम पार्टी के जिता दिते। लोगों नूं एक आस उम्मीद सी कि जो ये कहंदे पे ने करनगे, बिजली माफ कर देंगे, 1000-1000 रुपया लेडीज़ नूं दे देंगे, स्कूल सुधार देंगे जी, ये कर देंगे वो कर देंगे, जो कुछ भी ना दसिया। सो ये टाइम दसेगा, लोगों के अनरैसट इन्नी होगी कि 3 महीने अज 92 बंदे जिताते पे, 3 महीने बाद संगरूर का इलैक्शन आया और वह इलैक्शन है जिन्हों ये आम पार्टी अपनी राजधानी मनती है। इन दे एक MLA ने बयान भी दिता सी, अनमोल गगन आई थिंक MLA साहबा, उन्हें कहा कि जो मर्जी हो जाए तो साड़ी संगरूर राजधानी है तो अभी जितनी है, और वाकई क्या भी जा सकता राजधानी क्योंकि मानयोग CM साहब भगवंत मान जी का हलका है और ज़िला है, और जदों सारे हिंदुस्तान दे विच एक मैंबर पार्लीमेंट रह गया सी तो वह भी संगरूर वालिया दिता सी आम पार्टी नूं, और जे 3 महीने बाद ही उत्थे लोगों ने रिवर्स दे दिता फैसला। उन्होंने जो सिमरजीत सिंह मान नूं जताया उन्होंने वो गुस्सा कढ़िया कि साडियां तवक्कोआत दे उत्ते आम आदमी पार्टी पूरा नहीं उतरी, इस करके ये बहुत ही खुशफहमी दे विच नहीं रहना चाहिए भी 10-11 सरपंच लै लिए, 10-11 इधर चले गए जां उधर चले गए। लोगों के डरा धमका के उन्होंने अपने नाल जोड़न की बजाय लोगों के मन जितो, लोगों के काम करो, इन्ना करके दिखाओ कि लोग अपने आप मन बनाउन कि असी स्टेबल रहना और असी किसी पर्टिकुलर पार्टी की मदद करनी है। सो बाकी रह गई गल जिहड़े गए हैं बंदे, वो जिवें मैं तुहानूं दस्या ही है कुछ तो विचों ऑलरेडी उन्हां दा मन सी जाण दा, असी अपना बंदा नहीं छड्डदे। मैं अज भी ये गल कहांगा, मैं कोई उन्हां दे विरोध दे विच कुछ गल कहण नूं तैयार नहीं, चाहे चले गए जब जे चले गए तो आ भी जाणगे। लेकिन एक गल मैं जरूर कह देना चाहना कि असी चट्टान की तरह खड़े हाँ, असी अपने पंच सरपंच अपने वर्करस अपने वोटर सपोर्टर्स आम जनता किसी नूं तत्ती हवा नहीं लगन देंगे, असी तगड़े हाँ। तुसी बागडोर दित्ती अरुणा चौधरी नूं जिता के भेजे, असी अपने इलाके की हिफाजत करांगे। ये ठीक है कि जे किसी की गलती है उन्होंने तो पनिशमेंट मिलनी है, पर जिस तरह ये सोचते ना भी असी मन मर्जियां करांगे, नजायज़ काम करावांगे जां नजायज़ परचे कर देंगे, ये मैं इंश्योर करदा, ये मैं अपने इलाका निवासियों नूं ये गल मैं डंके की चोट नाल कह देना चाहना कि कोई धक्का फड़का नहीं होण देंगे।
जिथों तक इन्हों का अपर स्टैटा है आम पार्टी का, जेडे आम पार्टी के उत्ते लीडर ने, वो चाहते हैं, वैसे कोई भी नहीं चाहता भी बदनामी हो, चाहते हैं भी काम ठीक ठाक हो। जिवें सरदार भगवंत सिंह मान है, वो क्यों चाहेगा भी मैं मुख्यमंत्री बन गया भी मेरे मेरी मुख्यमंत्रीशिप जाए या लोग मैनू उल्टा सीधा बोलन। वो ठीक काम करना चाहता है पर यह काम खराब करते जे थले बने दे इंचार्ज तो हल्के दूजे तीजे, ये अपने पैटी इंट्रस्ट छोटे छोटे इंट्रस्ट करके पार्टियां दीयां बदनामियां कराते हैं। जे उपरले भी ठीक काम करना चाहते हैं तो थले लोकल MLA भी ठीक काम करना चाहना, तो फिर ये जो विचले ने यह टैंपरेरी गल्लां ने, ये जो हलका इंचार्ज ने इन्हां दे लुट नहीं लगते भी 2 मिनट लगते हैं, पता भी नहीं लगना कि वेले मुक जाना तो कि वेले चले जाना। सो मैं अपने वोटर सपोटरों को ये गल कहना चाहना भी बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े रहो, चट्टान की तरह ही खड़े हाँ, कोई किसी नाल धक्का नहीं होएगा, कोई झूठा केस नहीं बनन देंगे। इन्हें ट्राई करके देख ली है, यह 2-3 साढ़े सरपंचों के उत्ते, एक के उत्ते तो रेप का परचा दर्ज कराने की कोशिश की है जबकि झूठा सी, नहीं होया, नहीं होने दिता, अफसर ने पूरा डट के सपोर्ट की है, क्योंकि उपरलिया ने भी ये गल कही है टॉप मोस्ट जड़े ने सरदार भगवंत सिंह मान ने भी गलत काम ना करो बई। मैं यही गल कही SSP साहब, मैं क्या जे तो उत्तों तुम्हें कोई डायरैक्शन है भी गलत मलत करो पार्टी के तो करी जाओ, जे उपरों डायरैक्शन नहीं जी उपर तो कहें ना जी ठीक ही करो, तो मैं क्या फिर दसो इन्हें कोई रेप किया अह नहीं, तो मैं क्या फिर परचा किमें दर्ज हो जाएगा। सो नहीं हो मुताबिक बहु जी भी कई बंद ने जीदारी मैं जिसा मैं तुम्हें दसिया साड़ी हैबिट है, साड़ी आदत है कि असी अपना बंदा नहीं छड़दे अखीर तक देखते हैं, अखीर तक अंदर खाते भी की कशद किसी ने ओपनली भी की, पर जे उन्होंने एक्सपैल भी कर दें तो होना यो कुछ ही जो अज हो सत महीने बाद लोग पक्षी काम जो हुए मैं दस दौ प्रेस वाले सारा कुछ तुम्हें तो मेरे ना ज्यादा ज्ञान है। लोग पक्षी काम की हो गया, 1000 रुपया लेडीज न मिल गया, लोगों इंसाफ हो रहा खास तौर पर दीनानगर हल्के च, दीनानगर हल्के एने पीरियड 7 महीनों किन्ने अफसर बदल गए, क्योंकि जो उन्होंने नजायज़ काम कहें जब नहीं करते तो उन्होंने बदली कराती जाती है, क्योंकि अगों असी बैठे हाँ असी नजायज़ नहीं कर देते, लोग भी नहीं करते, अफसर भी सोचते हैं कि जब हल्के की MLA जी है वह गलत काम नहीं कहती तो फिर आप नजायज़ क्यों करिए। तुम देख लो जिन्हें अफसर ने थानेदार ला लो दूजे तीजे ला लो, मेरा ख्याल तुम गिनती करके देख लो किन्ने बदल गए हूँ तक। सो असी तकड़े हाँ बैठे दे असी नजायज नहीं कर देते उपरों रीजन सुन लो 2 लाख वोटर, मैं जिसा कहा 2 लाख वोटर 247 पंचायत 247 पंचायत 2 लाख वोटर 15 साढ़े वार्ड मैंबर दीनानगर म्यूनसिपैलिटी के 18 साढ़े समिति के मैंबर दीनानगर के 15 समिति के मैंबर अपने इतों के दुरंगले के ते कुल मिला के गए किन्ने जी 11 दसते पे ना 18 गिणते जिन्हों जो 6-7 पहले ही चले गए थे 11 दसते ना 11 जो एक वापस आ गया कल 10 बंदे ते 7 महीने की मशक्कत ते 7 महीने डराया लोगों इनकुआरियां ते तुहाडियां शिकायतां ते शिकवे तो की खून खोली जी ये की है ये नाल ये ना कि रिजल्ट बदल जूगा। अच्छा बहु जी गल एक है आम बंदा कहता भी जो सच्चा वो किसी गलू नहीं डरता, जोड़े बंदे उधर गए हैं उन्होंने बहुत सारे बंदे योजे जो तो बहुत खास चेत जिन्होंने खास कांग्रेसी गिना जाता पक्के गिना जाता लोगों के गल है कि थोड़े टाइम से उन्होंने ग्रांटा के कप्पे ले ग्रांटा मिसयूज किया सिर्फ इनकुआरियां तो डरते गए हैं तो फिर जवाब तो आप ही देता तो हम मैं जवाब की देव नहीं जवाब नहीं देखो मैं किस्सा कह देंगा भी मेरे मेरे कोई प्रूफ तो है नहीं कि उन्होंने पैसे खा ले या नहीं खा ले, तुम आप ही सवाल कर रहे हो आप ही जवाब दे रहे हो कि वो जी इनकुआरियां तो डरते चले गए ने ये नहीं लोगों के जो चर्चा है ठीक है होएगी ये गल जे कोई मान लो कोई गया जेड़े मेरे खास उल खास ने मैं सारे नु खास मानता और सवाल तो यह है कि धमकियां दे रहे हैं जो विरोधी धमकियां दे रहे तो जे करांगे वो कराओगे
नहीं गलत मैं तो नहीं कहता गलत किया, पर कोई भी आदमी अपने सिरदर्दी नहीं लेना चाहता ना। कई बंदे होंगे ना डट के खलो जाते हैं, कोई नहीं यार मुकाबला करांगे आपां केड़ा गलत काम किया। लेकिन कुछ बंदे यह होंगे कहते यार मुफ्त की सिरदर्दी क्यों लैनी है, टाइम पास करो। ये उन्होंने मन च आ गया होना भी यार टाइम पास करो तो आप फिर देखा। पिछले दिन नगर कौंसल काफी फेरबदल किया गया, बदलियां तक हुई और सस्पेंड भी किए गए हैं, कितना देख रहे हो कांग्रेस की कमेटी है और क्यों नहीं इस चीज का ध्यान दिया गया कि उसके कपड़ेबाजी होती है। कपलेबाजी जिस दिन पता लगी सर उन्हें प्रधान ने उस वेले दसिया भी कहें भी इतने जी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, तो मैनू ने पता पता नहीं लगन देंगे। तो जिस वे वेरीफाई किया तो 1,97,000 की निकल आई वो बोगस पेमेंट। अजे होर भी वेद गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने लिखा भी इनकुआरी करो, वो किसी ड्यूटी लगेगी होएगा ये निकलेगी। सारिया ने जिहड़ी स्टेटमेंट दिती है देखो जदों बोगस पेमेंट कीती है, जे एक लेडी जिहदी ड्यूटी सी बिल दर्ज करन दी, जिन्हों एक्चुअली करना चाहिए सी बिल दर्ज, उन्हें नहीं किया, उन्हें जवाब देता, वह कहती भी मैं झूठा बिल दर्ज नहीं करना। जे वह जवाब दे सकती तो बाकियों भी दे देना चाहिए ही, जे बाकिया ने नहीं दिता जवाब उन्होंने दर्ज किया तो मतलब शामिल ने, इस करके उन्होंने एक्शन लेना पड़ा। नगर कौंसल के प्रधान ने ही तो मैं दसिया भाई ये गड़बड़ेशन, जे नगर कौंसल के प्रधान का काम की है बिल पास करना, ईओ का काम है। ईओ जिहड़ा वो अपने नगर कौंसल का स्पैशलिस्ट अफसर है, जिहड़े पोलीटिकल बंदे होंदे ने वो तो एक उन्होंने काउंटर चैक रखे था भी चैक के उत्ते काउंटर साइन प्रधान ने करने हैं, सिर्फ इस करके कि प्रधान की माड़ी मोटी पुछ प्रतीत रहे, नहीं तो प्रधान को तो पुछणगे ही नहीं। जबकि ना प्रधान के वोचर से साइन होंगे, ना प्रधान ने बिल देखना, ना प्रधान ने मेजरमेंट देखनी, प्रधान ने तो सिर्फ तुम अकाउंट कोड पढ़ के देखो तो काउंटर सिग्नेचर है भी ईओ एबसोल्यूट ना हो जाए, भी ईओ जाए तो उन्होंने कहे जी साइन करो ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਰਸਨ। ਅੱਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਣਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਫੇਲਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ? ਦੇਖੋ ਫੇਲਿਅਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਜੇ BSF ਔਰ ਆਰਮੀ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਅਤੇ BSF ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਤ ਬਰਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਖੜਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ GOG ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਫਾਰ ਦੈਟ, ਆਲਦੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਾਜ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਫੌਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਫੌਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੌਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਚੈਨਲ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟ DC ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਕੋਈ ਨੈਕਸਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬਣਿਆ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ GOG ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋੜਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਘਰ AC ਲੱਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨੇ, ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਨੇ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। 50% ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਣੇ ਕਾਰ, ਤੇ ਦਿਓ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਟਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣ ਦੇ, ਪਰ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਅਫਸਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ,
और उन्होंने कोल महकमा सोशल सिक्योरिटी हूँ कई ओल्ड एज पेंशन लगी दी सी बुढ़े मर गए वो माँ उन्होंने उत्थे दसिया ही नहीं उन्हों की पेंशन ऑनलाइन आती रही जदों जदों तुसी को वेरीफिकेशन करोगे फिर पता लगेगा ना गलत ठीक हूँ गवर्नमेंट ने वेरीफाई किया तो उन्होंने देख लिया भी एन ए जड़े ने बुढ़े ने वो रिकवरी भी हो जाएगी तो वो अपना उन्होंने अगे तो कट्टी भी जाएगी ये तो सोसाइटी को चाहिए ना कि जे सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने एक बुढ़े की पेंशन लाती जे बुढ़ा गुजर गया तो ये साड़ी मोरल ड्यूटी बनती है कि उहदा बेटा उहदी बेटी उहदा फैमिली मैंबर कहे भी हुण सानूं पेंशन नहीं चाहिए साडा बुढ़ा गुजर गया लेकिन हिंदुस्तान है जदों नहीं दसणगे तो डिपार्टमेंट उत्ते बैठे थोड़ी पता लगेगा दीनानगर के हल्के नूं मैं ये मैसेज देना चाहना कि टाइम एक जैसा नहीं रहिंदा सियासत जिहड़ी हैगी है इहदे च कोई डरन की लोड़ नहीं ठीक काम जिहड़ा करदा उहनूं किसे तों टुंडे लाड़ की परवाह करन की लोड़ नहीं असी चट्टान की तरह खड़े हाँ वोटर सपोर्टर चट्टान की तरह खड़े न ठीक ठाक काम करो कोई झूठा परचा नहीं दर्ज होण देंगे कोई किसी नूं परेशानी नहीं होण देंगे ये जिहड़ा इनकुआरियां का डर करते हैं वही तुहाडे वाली गल पे जद कोई गलत काम नहीं किया तो इनकुआरियां जिन्नियां मर्जी कर लैण उहदे च की प्रॉब्लम हैगी है इनकुआरी करनी गवर्नमेंट का फर्ज बनता जे कितें कोई शिकवा शिकायत आई है तो गवर्नमेंट ने तो वेरीफाई करना ही है तो जे आपां दा कोई गलत नहीं किया तो डरन की लोड़ ही नहीं हैगी 11 बंदे खब्बे सज्जे लैके बहुते खुशफहमी ना पालो पब्लिक जिहड़ी है ना वो जिन्हों कहने असी वो गाना भी है ना जे पब्लिक है जे सब जानती है ये एवें साडे लोगों ते जां हुंदा वहम भी पता नहीं मैं किन्ना क पॉपूलर हो गया तो किन्ना क मैं किसी नूं दबका मार लिया तो पता नहीं किन्ना क सब दुनिया जानती है कौन ठीक है कौन गलत है किनू वोट पानी है जिवें मैं फिर शुरू तो किया ही एंड भी इत्थे ही करदा कि जेकर इनकुआरियां पा के सरपंचा नूं डरा के जां आम पब्लिक नूं पुलिस कोलों परचे का डर दिखा के आपां ये सोचिए भी वोटां पैंदियां ने ते आपां जित जांगे ते फिर ते सरकार कदे बदलनी नहीं चाहीदी फिर ते सरकार उही रहनी चाहीदी है लेकिन हर बार सरकार बदलदी है क्यों बदलदी है पब्लिक है वो अपने इंडिपेंडेंटली वोट पाती है डॉक्टर बी आर अंबेदकर साहब ने जिहड़ा साडा संविधान बनाया था बड़ा फूल प्रूफ है और बड़ा वधिया बनाया था जो मर्जी कर लो तुसी प्रेशर नाल किसी को वोट नहीं लै सकते उहदा दिल जित के वोट लै सकते हो मैं सारयां नूं अपील करांगा पॉलीटिशियंस नूं कि पब्लिक का वोटरां का दिल जितो प्रेशर नाल इनकुआरियां नाल डराउणा बंद करो।